वेलकम गाइस एक्शन इन्फॉर्मेशन चैनल पर एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस हर दिन नई नई इन्फॉर्मेशन डीटीएच केबल टीवी की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए एक्शन इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इन्फॉर्मेशन अपडेट जो है आपको मिलता रहे। बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे वीडियो का। सो गाइस जैसे कि हमने पहले ही बातें की है कि स्टार नेटवर्क हो गया, जी नेटवर्क हो गया, सोनी नेटवर्क के टीवी चैनल जो है बड़े बड़े केबल ऑपरेटर जो है वहाँ से हट चुके हैं। जैसे कि हैडवे हो गया, फास्टवे हो गया, ZTPL हो गया, डेन डिजिटल हो गया, NXT केबल हो गया और भी काफ़ी सारे केबल है जहाँ से काफ़ी बड़े बड़े चैनल जो है वो हट चुके हैं क्योंकि NTO 2.0 आ चुका है और चैनल के प्राइस बढ़ चुके हैं और जो बड़े बड़े केबल ऑपरेटर काफ़ी हैं जिन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है वो विरोध कर रहे हैं इसका, जिस वजह से चैनल जो है रिमूव हो चुके हैं। आप लोगों को अब पता चल गया सबको। सो गाइस काफ़ी सारे हमारे यूज़र्स मैसेज कर रहे थे कि क्या हमें केबल कनेक्शन कटवा देना चाहिए इन चैनल को देखने के लिए और DTH कनेक्शन ले लेना चाहिए। सो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस जो केबल ऑपरेटर जो आवाज़ उठा रहे हैं वो आप सभी के लिए उठा रहे हैं क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो आप लोगों का जो मंथली बिल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि चैनल के प्राइस बढ़ चुके हैं और आगे भी बढ़ने की संभावना है। सो इस वजह से अगर मैं बताऊं आप लोग को तो आपको केबल कनेक्शन जो है कटवाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हम सब के लिए ही जो है लड़ाई लड़ रहे हैं कि चैनल के प्राइस जो है कम रहें बढ़े ना। सो अगर आप हम ही कनेक्शन कटवा के DTH लगवा लेंगे तो फिर हम लोग उनका साथ नहीं दे रहे। अगर आपको DTH लगवाना है तो आप लगवा सकते हो लेकिन केबल कनेक्शन कटवाना जो सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को जो सही लगता है वो करना होगा। आप DTH यूज़ रहे हैं या फिर केबल यूज़ रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं जल्दी कुछ और इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ अगले वीडियो में।